नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र के बल्लारपुर वैकोली क्षेत्र अंतर्गत आने वाली पवनी 2 उपक्षेत्र में CMPL नामक मिट्टी कंपनी ने 2021 में पवनी 2 खुली खदान के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। कोयले के ऊपर से मिट्टी की परत दर परत निकालने का सतत काम मिट्टी कंपनी के द्वारा किया गया है। इस कंपनी में तेलंगाना राज्य से आए हुए परप्रांतियों की संख्या करीब 100 के पार थी। इसके बावजूद स्थानीय सिर्फ 51 कामगारों को ही काम पर रखा गया था। इनका 3.5 साल तक इस्तेमाल कर अब उन्हें 13 मई को पोस्ट द्वारा लेटर भेजकर सूचित किया गया है कि आपको कंपनी यहां से काम से निकाल रही है, अपने काम की व्यवस्था कहीं और कीजिए, हमारा काम समाप्त हुआ है। जबकि परप्रांतियों को सास्ती तथा धोपताला की खदानों में कामगारों को स्थानांतरित किया गया, किंतु स्थानीय 51 कामगारों के साथ ही कार्य क्षेत्रों से हटाकर सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। अन्य कामगारों ने राजौरा तहसील कार्यालय के बाहर 10 जून से अनायशा कामगार संगठन के अध्यक्ष सूरज उपरे, सामाजिक कार्यकर्ता भूषण फूसे के नेतृत्व में धरना आंदोलन शुरू किया गया। इस धरना आंदोलन की सफलता के लिए ऋषि चौधरी, राकेश चेनवेन रवार, श्रीकांत जल्लेवार, वासुदेव चापले, आशीष पझारे, अजय इग्रपवार, आकाश ताकसंडे, साई मोगलीवार, प्रकाश मनगम आदि प्रयासरत रहे, जहां लगातार तीसरे दिन आंदोलन जारी रहा। अनेक कामगार संगठन, सामाजिक संस्थाओं ने अपना समर्थन दिया है। जगत न्यूज 24 महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से रमेश निषाद की रिपोर्ट। अनेशा वाहन चालक कामगार संगठन संस्थापक अध्यक्ष सूरज उपरे, CMPL पौनी 2 साकरी मट्टी खदान में मिट्टी उठाने का काम था चड्डा जी का, तो वहाँ पे 2021 से स्थानिक लोग काम कर रहे हैं और उन्हीं के साथ में परप्रांतीय लोग भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अभी 2021 के बाद में अभी 2024 को चड्डा जी ने सबको लेटर के माध्यम से उनको बताया कि मेरा काम यहाँ का ख़त्म हो गया है, अभी आपको कोई दूसरा रोजगार ढूंढना पड़ेगा या मेरे को कोई साइड मिलती है तो मैं आपके बारे में सोचूंगा। लेकिन बाकी परप्रांतीय लोगों को चड्डा जी राजौरा विधानसभा क्षेत्र में सास्ती धोपताला ऐसे 2 काम चालू रहने के बाद भी उनको काम दे नहीं रहे, लेकिन परप्रांतीय लोगों को वहाँ पे काम दे के उनको वहाँ पे काम करने लगा रहे। हम यहाँ के स्थानिक लोग अब कहाँ जाएंगे? हमारे स्थानिक लोगों के ऊपर अभी भूखमरी की नौबत आ गई है और स्थानिक लोगों ने जो कामगार है वहाँ के, उन्होंने आंदोलन जब किया तो आचार संहिता का मुद्दा लेकर उनके ऊपर केसेस लगाए, ये बहुत ही बड़ी निंदनीय बात है। इसका हम जाहिर विरोध करते हैं और हम अभी 10 जून से यहाँ राजौरा तहसील कार्यालय में इनको न्याय दो, इनका स्थानांतर करो, इन ये मांगों के लिए तहसील कार्यालय के सामने बेमुद्दा धरने आंदोलन कर रहे हैं अभी। और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होंगी तो हम आगे और कदम बढ़ाएंगे और इनको न्याय दिला के रहेंगे। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।